का स्वागत है। बड़ी खबर का रुख करेंगे जयपुर से। कल से टीएसपी क्षेत्रों के शिक्षक आंदोलन की राह पर, नॉन टीएसपी क्षेत्रों में तबादलों की मांग को लेकर धरना देंगे। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की, कल से जयपुर में धरना दिया जाएगा। टीएसपी क्षेत्रों के शिक्षक आंदोलन की राह पर, नॉन टीएसपी क्षेत्रों में तबादलों की मांग को लेकर देंगे धरना। कल सुबह 12 बजे से 22 गोदाम पर धरना दिया जाएगा। 1998 से टीएसपी क्षेत्रों के शिक्षकों का नहीं हुआ है तबादला। करीब 1300 से ज्यादा शिक्षक तबादलों की आस लगाए बैठे हैं और ऐसे में तबादलों की मांग को लेकर धरना दिया जाएगा। ललित जी मीडिया संवाददाता खबर पर जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। ललित, क्या मांग है और किस तरीके से धरना जो है वो देने वाले हैं, कितनी संख्या में जो है तमाम प्रदर्शनकारी पहुंचेंगे? सुमित, आपको बता दें कि टीएसपी क्षेत्रों की हम बात करेंगे, राजस्थान के 10 ऐसे जिले हैं जो डार्क जोन में आते हैं। डार्क जोन में आने की वजह से करीब 23 साल पहले अंतिम बार इन क्षेत्रों से जो शिक्षक हैं उनके तबादले किए गए थे। करीब 1300 से ज्यादा थर्ड ग्रेड और सेकंड ग्रेड के शिक्षक यहाँ कार्यरत हैं। 23 सालों से तबादलों का इंतजार कर रहे शिक्षकों के सब्र का बांध अब टूटने जा रहा है। कल से राजधानी जयपुर में 22 गोदाम पर ये शिक्षक हैं, वे धरना देंगे। इनका ये कहना है कि 2014 में जो नियम बनाए गए थे उस नियम के तहत अब नॉन टीएसपी के शिक्षकों का टीएसपी के क्षेत्रों में तबादला हो सकता है। ऐसे में नॉन टीएसपी के शिक्षकों का टीएसपी क्षेत्रों में तबादला किया जाए, साथ ही 24 सालों से अपने घरों के लिए जाने का इंतजार कर रहे शिक्षकों को भी लाभ दे सरकार और उन टीएसपी क्षेत्रों से नॉन टीएसपी में उनका तबादला किया जाए। तो ऐसे में अब शिक्षक भी आंदोलन की राह पर उतर चुके हैं और कल 12 बजे इसको लेकर 22 गोदाम जो पेट्रोल पंप है उसके पीछे धरना दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया ललित इस तमाम जानकारी के लिए। तो आंदोलन की राह पर जो है वो शिक्षक अपनी मांग को लेकर कल टीएसपी क्षेत्रों के शिक्षक जो है आंदोलन करेंगे। जहां पूरे देश में बसंत पंचमी